हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मैं रवा इडली बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दही लेके उसको छाछ बना दिया है और सूजी इसमें डाल के मैं भिगो दूंगी। वेजिटेबल रवा इडली मैं आज बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने वेजिटेबल इडली के लिए लिया है प्याज छोटे छोटे, कद्दूकस किए कटे हुए छोटे कटे हुए, टमाटर छोटे कटे हुए, शिमला मिर्च छोटे कटे हुए, हरी मिर्च छोटी कटी हुई, और नमक। और मैं ये जो पेस्ट तैयार कर रखी हूँ, सूजी और दही मिश्रण का, तो आज मैं इसका बनाऊंगी फ्राई वेजिटेबल इडली। इसके लिए मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिए हैं, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, आप चाहो तो गाजर भी डाल दीजिए और इसमें प्याज डाल दिए, उसके बाद हरी मिर्च डाल दिए हैं, फिर मैंने नमक डाल दिया। अब सब सारे मिश्रण को एक साथ देखिए अच्छे से मैंने मिला लिए। देखिए मेरा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको चलती हूँ बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने बड़ा सा बैगुना भगोला ले रखा है, इसमें मैंने चौथी लोटा पानी डालेंगे और इसको रख देती हूँ गर्म होने के लिए। इसी में मैं स्टीम करूँगी। देखिए फ्रेंड, मैं इसको थोड़े से उंगली की सहायता से मैंने इसमें थोड़े थोड़े तेल लगा रखा है, रिफाइंड लगा लिया। ऐसे ऐसे मैंने सारे में उंगली की सहायता से मैंने रिफाइंड लगा लिया है। देखिए फ्रेंड, मेरा पेस्ट एकदम अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गया है। अब इसको मैं इसमें धीरे धीरे देखिए फ्रेंड, मैंने सारे में मैंने फिल कर लिया है और मेरे पानी भी थोड़े से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं इसे स्टीम होने के लिए रख दूंगी। कम से कम 10 मिनट तो स्टीम होगा, फिर मैं खोल के दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मेरा इडली बनके तैयार हो गया। अब मैं इसको आराम से निकाल लूंगी ठंडा के लिए, ठंडा होने के बाद फिर मैं निकालूंगी इसको। मैंने फ्राई के तैयार कर रखा है। मैंने एक टमाटर काट लिए हैं, एक प्याज काट लिए हैं और राई ले लिए हैं तड़के के लिए, और थोड़े से जीरे ले रखे हैं और हींग, और मैंने करी पत्ते डंडल। देखिए फ्रेंड, दो डंडे मैंने करी पत्ते ले रखे हैं। अब मैं फ्राई में सबको डाल के बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है। सब डाल के फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें 2 चम्मच मैं तेल डालूंगी। तेल डालिए, देसी घी डालिए, लेकिन मैंने 2 चम्मच तेल डाल रखा है। फिर मैंने मेरे तेल गर्म हो गया है, अब मैं राई डालूंगी। देखिए फ्रेंड, मेरे राई तैयार छटक गया है, अब मैं थोड़ा जीरा डालूंगी।
डालूंगी। और प्याज डालूंगी। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, आप एक बार घर में ट्राई जरूर करिए। देखिए कितना टेस्टी चटपटी आती रवा। अब मैं देखिए फ्रेंड, मेरा प्याज ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर के साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। कड़ी पत्ते से तो जानते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और रवा इडली आपका उनके खड़ा हो गया है। अब इसको मैं फ्राई करके निकाल कर भी दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, मेरी ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं चम्मच की सहायता से धीरे धीरे निकाल लेती हूँ। देखिए ऐसे में सारी इडली को, और मैं सारी इडली को निकाल के देखिए कितनी अच्छी इडली बनी है। और एक जो मैं पेस्ट बनाई हूँ इडली का, ये पेस्ट मैंने पिछले उसमें दिखा रखा है उत्पम के लिए, पिछले वीडियो में मिला है। इस पेस्ट का भी आप उत्पम भी बना सकते हो। बच्चे सब्जी वब्जी खाने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, और ऐसे है अपना सब्जी खा लेते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इडली को बड़े आराम से चाकू सहायता से ऐसे पीजों में कर लूँगी पीस पीस। देखिए अब इसको मैं, या तो आप दो पीस में कर लीजिए, ऐसे रख लीजिए फ्राई करने के लिए। देखिए फ्रेंड, मेरी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है एकदम बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, मेरे अच्छे से सारे तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसी में इडली कटे हुए इडली डाल दूंगी, चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पलटूंगी। देखिए अब इसमें आप सॉस मिला के बच्चों को दे दिए, तुरंत सर्व करिए। और तुरंत नहीं, टिफिन उफिन के लिए देना है तो सॉस अलग से रख दीजिएगा, तुरंत ठंडी होकर अच्छी नहीं रहेगी ना, इसलिए अलग से सॉस। और झटपट आप बच्चों के लिए नाश्ता फटाफट बना लीजिए। देखिए सर, मेरी रवा इडली तैयार है। और बच्चों के लिए आप सॉस देके तैयार कर दीजिए, या तो अलग से है।